प्रोडक्ट एक, काम अनेक, परफॉर्मेंस वेरी हाई, प्राइस वेरी लेस, और इसमें मिलता है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटैचेबल स्टेनलेस स्टील स्टेम से, जो कि है इसकी मेन मोटर, और जितने भी सारे अटैचमेंट हैं सब यहीं पर लगाकर हम इसको यूज करेंगे। इस मोटर के साथ गाइज आते हैं तीन अटैचमेंट, जो कि है सबसे पहले ब्लेंडर, तो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग आप इसके द्वारा कर सकते हैं। सेकंड है विस्क, तो एनी टाइप ऑफ विस्क आप इसके द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी बीट करना है, क्रीम है, एग है, या फिर कर्ड को भी आप विस्क कर सकते हैं। और थर्ड है चॉपर, तो एनी टाइप ऑफ चॉपिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। और गाइज चॉपिंग इतनी फास्ट होती है कि आप मिनटों में नहीं, सेकेंड्स में इसके अंदर चॉप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मिलता है ये जार, जो कि 600 ml का है। इसके अंदर आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, विस्क कर सकते हैं। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी फाइन क्वालिटी दी है इन्होंने। और ये है इसका मैनुअल बुक, 2 ईयर्स की आपको इस प्रोडक्ट की वारंटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की, तो देखने में तो बहुत ही फाइन क्वालिटी मुझे लग रही है। जितने भी ब्लेड्स यहाँ पर इन्होंने दिए हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के हैं, जैसे कि ब्लेंडर का है, चॉपर के अंदर भी आपको मिलता है ये स्टेनलेस स्टील का ब्लेड, और ये जो विस्क है ये भी स्टील का ही दिया है। और जो इस प्रोडक्ट का मेन फंक्शन है डिटैच और अटैच करने का, वो बहुत ही स्मूथ है। आप आराम से इसको अटैच कर सकते हैं और डिटैच भी कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आपको काम को जल्दी और फास्ट करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, बताएंगे? चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसके लिए हमें चाहिए होती है पावर। और गाइज इसमें आपको मिलती है 1000 watt की पावर, जो कि आपके काम को मिनटों में नहीं, सेकंड्स में कर देती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको मिलती है यहाँ पर वेरिएबल स्पीड कंट्रोल विद LED लाइट, ये मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम आप देख सकते हैं, तो इसको इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको चलाकर दिखाऊंगी, वन बाय वन इसके जितने अटैचमेंट है उनको यूज करेंगे, क्या क्या आप इसमें चॉप कर सकते हैं, जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देर न करते स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो चॉपर है बहुत ही कमाल का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले वैसे तो आप इसमें किसी भी टाइप की सब्जी या फ्रूट चॉप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिलहाल ली है तीन, तो कैरेट है, मूली है, गाजर है, आलू है, कुछ भी आप इसके अंदर चॉप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी चॉपर की ये है कि इसमें आप जैसी आपको चॉपिंग चाहिए, ज़्यादा चॉप चाहिए या कम चॉप चाहिए, बिल्कुल एकदम फाइन चॉप चाहिए, किसी भी तरह की चॉपिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेते हैं। तो एक प्याज मैंने ली है, इसको हम कट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये इसकी कोर्ड है और 1 मीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर लेंथ दी है। तो चलिए सबसे पहले लगा देते हैं इसको, प्लग इन कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने प्लग लगाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं LED लाइट डिस्प्ले हो चुकी है, तो स्पीड कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो लिड है चॉपर का यहाँ पर दिया है, इसको हमें अटैच करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दो बटन आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड बटन दिए गए हैं, तो इनको आप इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही स्मूथ है अटैच करना और डिटैच करना, बहुत ही आराम से ये लग जाता है। तो ये कर लिया है, बस अब हम लिड यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी दो यहाँ पर दिए गए हैं बटन, तो यहाँ से भी आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ मैं इसे प्रेस करती हूँ और चलाकर देखते हैं। तो देखिए अगर आपको स्पीड बढ़ानी है यहाँ से ही, तो सेकेंड नंबर का बटन दबा सकते हैं, तो ये और तेज़ी से परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं जैसी आपको चॉपिंग चाहिए, कम ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चला सकते हैं। और गाइज आपने देखा होगा तो केवल 3 सेकंड मुझे लगे थे और 3 सेकंड में प्याज जो है वो चॉप हो चुकी है। तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी फाइन चॉपिंग की है 3 सेकंड के अंदर, एकदम बढ़िया ऑनियन जो है चॉप हो चुकी है। ब्लेड निकाल कर आप इसको अलग से बाउल में निकाल लीजिए। चलिए अब कैरेट को चॉप करते हैं। तो पीसेज में कट कर लीजिए और आप चाहे तो अपनी वॉच को भी लगा सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। लीजिए चॉप इसमें लग गया। अब मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगी कि स्पीड आप कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले इसको ऑन कर दिया है और ये देखिए कम हो चुकी है और ये देखिए ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ से भी आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए गाइज कैरेट चॉप हो चुकी है और जैसे कि हमने ज़्यादा इसको चलाया था, तो आप देख सकते हैं
कुछ ज्यादा ही चॉप हो चुकी है, तो यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान देखिए, जितनी चॉपिंग आप चाहिए उतना ही इसको चलाइए, तो आप देख सकते हैं कितनी फाइन, इवन आप इसका गाजर का हलवा भी बना सकते हैं आप। तो गाइज काफी बढ़िया ये प्रोडक्ट है, और अगर आपने टाइमर लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि 5 सेकंड से भी कम टाइम लगा इसको चॉप करने में, तो काम भी करने में मजा आएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं टमाटर की चॉपिंग। तो गाइज यहाँ पर आप जब राजमा छोले कुछ भी बनाते हैं तो टमाटर के साथ साथ जैसे गार्लिक है, जिंजर है, वो सब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ, तो देखिए जिंजर भी डाल दिया है, और यहाँ पर ये हरी मिर्च, जैसे आपको खानी है स्पाइसी तीखी वो सब ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गार्लिक भी डाल रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक साथ सारी चॉपिंग करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं टमाटर को चॉप, और इसको हम प्रेस करते हैं। गाइज देखिए एकदम फाइन चॉपिंग हुई है। अब आप इसके छोले राजमा या दाल में तड़का लगाना है, किसी तरह भी इसको आप यूज कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बढ़िया फाइन चॉपिंग रेडी है। यूज करने के बाद गाइज इसको आप इजिली क्लीन कर सकते हैं, रनिंग वाटर के अंदर ब्लेड अलग कर सकते हैं और इसे क्लीन कर लीजिए, और ये भी आप इसको अलग कर सकते हैं लिड को इस तरह से, तो इसको भी आप रनिंग वाटर में क्लीन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए इसको रनिंग वाटर में क्लीन नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड अटैचमेंट की, जो कि है ब्लेंडर। तो ब्लेंडिंग अगर आपको करनी है किसी भी चीज की, आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ये अटैचमेंट सेम वैसे ही आपको उसको अटैच करना है, ये दोनों बटन है यहाँ पर, आपको प्रेस कीजिए और देखिए अटैच हो चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है ये जार, तो किसी भी तरह का जो शेक है, जैसे कि मैंगो शेक है, बनाना शेक है, एप्पल शेक है, या फिर आपको ब्लेंडिंग करनी है किसी भी चीज़ की, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब जो मैं आपको ब्लेंडिंग यहाँ पर दिखा रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि आप प्यूरी बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसको कढ़ाई में पहले थोड़ा सा स्टर करके तब ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करते हैं, लेकिन आप इसके द्वारा डायरेक्ट कढ़ाई में भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप किचन की तरफ चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गाइज इसमें आप डायरेक्ट ही बर्तन के अंदर ही प्यूरी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं हम इसकी। जैसे कि आपको सांभर बनाना है, दाल को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो इस तरह से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग मैंने कर ली है, बट थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम लगा है, तो रोक रोक के आपको इस तरह से थोड़ा सा इसे पल्स मोड में ब्लेंड करना होगा। तो देखिए इस तरह से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो ब्लेंडिंग आप देख सकते हैं हो चुकी है। तो मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ। चलिए अब इसके अंदर मैंगो शेक बनाकर देखते हैं। तो मैंगो मैंने ले लिया है यहाँ पर, मिल्क डाल रहे हैं, शुगर। चलिए अब ब्लेंड करते हैं इसको। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंगो शेक बनकर रेडी हो चुका है, और एकदम फाइन मैंगो शेक बना है। तो अगर शेक की बात करें तो बहुत बढ़िया इसमें ब्लेंडिंग हुई है। चलिए अब पी के भी देखते हैं। चलिए अब दिखाते हैं इसका थर्ड अटैचमेंट, जो कि है विस्कर। तो सबसे पहले इसको हम इसमें फिक्स कर देंगे, देन यहां पर इसमें हमें इसे फिक्स कर लेना है। तो देखिए अटैचमेंट हो चुका है, ये ले लिया हमने जार। तो इसमें आप विस्क कर सकते हैं, जैसे कि आप मैंने आपको पहले बताया था, मलाई इसमें विस्क कर सकते हैं, एग विस्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ केक का जो बैटर है हम वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो मिल्क मैंने डाल लिया है, कर्ड डाल लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह की इसमें विस्क कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ऑयल, और ये है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि मैदा है, सोडा है, बेकिंग पाउडर है और शुगर है। तो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डाल देते हैं। गाइस अगर आपको चॉकलेट का बनाना है तो चॉकलेट कोको पाउडर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2 चम्मच कोको पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब बस विस्क करेंगे।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम विस करके। देखिए इसी सेकंड में बैटर जो है केक का वो विस्क हो चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो बहुत बढ़िया इसका ये जो विस्क है विस्कर है। तो चलिए बैटर रेडी है, इनको हम कप केक में डाल लेते हैं, आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगी। तो देखिए एकदम बढ़िया से जो है बैटर इसका बन चुका है। गार्निश कर लेते हैं इसको वॉलनट से। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और घर पर ही होममेड केक का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वन बाय वन आपको तीनों अटैचमेंट आपको दिखाए हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, वेरी हैंडी था, बहुत क्लीन करना भी बहुत ईजी था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें यहाँ पर MRP दिया गया है 4695, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये हमें मिला है 2759 का। तो गाइज एक रीजनेबल प्राइस में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके किचन के लिए, आपके काम को एकदम ईजी कर देता है, बहुत ईजी है इसको चलाना। तो अमेज़ोन पर इसकी जो रेटिंग है वो 4.5 है आउट ऑफ 5, और मैं अगर इसको रेटिंग देना चाहूँ तो मैं भी आप 4.5 ही इसको रेटिंग दूंगी। तो गाइज़ ये इनालसा ब्रांड का है और सबसे अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया है। तो गाइज़ अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। गाइज़ इस प्रोडक्ट के अलावा मेरी स्मार्ट किचन सीरीज में और भी ढेर सारे स्मार्ट किचन गैजेट्स हैं जो कि आपके काम को ईजी करेंगे, आपकी किचन स्मार्ट बनाएंगी। तो अगर उन सब का लिंक भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, उनका रिव्यू देख सकते हैं और वहीं से उनको खरीद भी सकते हैं। तो गाइज वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी या पसंद आई है तो चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए ऐसे ढेर सारे आपके किचन के लिए स्मार्ट गैजेट्स लेकर आती रहूंगी। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट कुक हार्ड कुक स्मार्ट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।